मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो क्लास फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज आपकी 2.4 और सम नंबर 7। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं आपको, हसन बाइज टू काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल। एक स्टूडेंट्स है, कोई भी पर्सन है जो क्या है टू काइंड्स के क्लॉथ लेता है। फोर क्या है, स्कूल यूनिफॉर्म, किसके लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल डैट कॉस्ट हिम रुपीज़ 50 पर मीटर, जो शर्ट है उसके मटेरियल की कॉस्ट क्या है 50 रुपीज़ पर मीटर। एक मीटर की कॉस्ट क्या है 50 रुपीज़, 2 मीटर की और हो जाएगी, ये एक मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। एंड ट्राउज़र मटेरियल डैट कॉस्ट हिम रुपीज़ 90 पर मीटर, और जो ट्राउज़र है उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है 90 रुपीज़ पर मीटर। टू काइंड दी हुई थी ना, एक आपको शर्ट दे रखी और एक क्या दे रखी है ट्राउज़र, ठीक है। फोर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र, फोर एवरी 2 मीटर, हर एक 2 मीटर ट्राउज़र के मटीरियल के लिए ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटीरियल। तो आपको ट्राउज़र का मटेरियल क्या दे रखा है 2, और 2 मीटर के लिए, हर एक 2 मीटर के लिए ट्राउज़र के, तो शर्ट का कितना लेना पड़ेगा 3 मीटर। तो और क्या दे रखा है, ही सेल्स दी मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। तो और क्या दे रखा है, ही सेल्स, वो भी बेचता है मटेरियल को क्या 12% और 10% रिस्पेक्टिवली, 10% और 12% इसके उस पर बेचता है, ठीक है, प्रॉफिट पे। ही इज टोटल सेल, और जो इसकी टोटल सेल है वो आपको क्या दे रखे है 36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो कितना उसका ही बाय, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फोर एवरी 3 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर। तो यानी जो आपको ट्राउज़र क्या दे रखा है, ट्राउज़र का 2 लेते हैं तो शर्ट का कितना लेना पड़ता है आपको 3। तो ऐसे ही इसी पे ही बेस्ड है ना, अगर आप ट्राउज़र का मतलब ये 1 और ये, ठीक है, अगर आप ऐसे ही अगर 2 ट्राउज़र का ले रहे हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, इसकी भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी 6 मीटर। अब ऐसे ही अगर 3 ट्राउज़र का ले रहे हो तो 6 मीटर लेना पड़ेगा, और ऐसे ही शर्ट का कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। तो यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक वेरिएबल ले हो रहा है ना, हमारे पास वेरी कर रही है वैल्यू 1, 2, 3। तो यानी हमने यहाँ पे क्या ले लिया x, तो यानी किस रेशो में दिया हुआ है आपको 2x और 3x। यहाँ पे क्या दे रखा है 2 मीटर ट्राउज़र का, और शर्ट का कितना है 3x। तो यानी ये आपको क्या दे रखी है रेशो, 4 every 2 meter ऑफ ट्राउज़र मटीरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट। तो ट्राउज़र का 2 और शर्ट का 3, तो यानी इसको 2x और इसको क्या लिख दिया 3x, और ये क्या है मटीरियल है ना, तो मटीरियल किसका, अब यानी ये रेशो आ गई, लेट रेशो ऑफ मटीरियल किसकी, मटीरियल ऑफ शर्ट एंड ट्राउज़र। तो क्या है आपके पास शर्ट की, ये शर्ट की आपके पास, पहले हमने शर्ट की लिखा है तो 3x, ट्राउज़र की कितनी है आपके पास 2x, मतलब 3x मीटर आपके पास कपड़ा किसका के लिए है शर्ट के लिए, और 2x किसके लिए है ट्राउज़र के लिए, ठीक है। अब उसने क्या कहा था 50 रुपीज़ पर मीटर, और जो इसकी कॉस्ट है शर्ट की मटेरियल की कॉस्ट ही रुपीज़ 50 पर मीटर। अब शर्ट का कपड़ा कितना है आपके पास 3x, और उसकी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज़, तो 3x एंड 2 मीटर की कितनी होएगी 100, 3 मीटर की ज़्यादा होती रहेगी। तो यानी कॉस्ट प्राइस फॉर शर्ट कितनी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस उसका, तो यानी 50 थी ना, 50 मल्टीप्लाई 3x, तो यानी कितना हो गया 150 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, किसका, कॉस्ट प्राइस फॉर ट्राउज़र। तो ट्राउज़र के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कपड़ा कितना है ट्राउज़र का 2x, और 1 मीटर की कॉस्ट आपको कितनी गिवन थी 90 रुपीज़, कितनी गिवन थी 90, तो 90 मल्टीप्लाई 2x।
एक मीटर की आपके पास 90 है, तो 2 मीटर की कितनी हो जाएगी 180, 3 मीटर की और ज़्यादा तो है वैसे कितनी की है 2x की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180, यहाँ पे ये x भी है साथ में x रुपीस, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो यानी ट्राउज़र का मटेरियल कितना है, यानी ट्राउज़र का मटेरियल हमें पता है कितना है ट्राउज़र का 2x, यानी x की वैल्यू निकाल लें और उसके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस फॉर ट्राउज़र के लिए पता लग गया, हमें शर्ट के लिए पता लग गया। अब उसने क्या कहा था, 12% और 10% ये क्या है प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस फॉर शर्ट, शर्ट का सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है और जितना आपने उसको प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है तो प्रॉफिट, और अगर आपने इसको भी हानि में बेचा है तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो अब कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 150x, और शर्ट का की प्रॉफिट कितनी दे रखी थी आपको 12%, तो यानी किसका निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस का ही 12%, तो 150x मल्टीप्लाई 12/100, तो हमने इससे ये कैंसिल कर दिया तो कितना हो गया 150x, 15 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 180x बाय में 10, इससे ये कैंसिल कर दें तो यानी कितना हो गया 150x प्लस 18x मींस 168x रुपीस, ये सेलिंग प्राइस आ गया किसका, शर्ट का, किसका आ गया है शर्ट का। अब हमें ऐसे ही सेलिंग प्राइस निकालना है किसका, सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउज़र। अब ट्राउज़र का कॉस्ट प्राइस कितना था 180x, कॉस्ट प्राइस प्लस जो उसको प्रॉफिट हो रहा था कितना हो रहा था 10%, तो 10% निकालेंगे 180 का, 180x मल्टीप्लाई 10/100, इससे ये कैंसिल 0 से 1, 0 से ये वाले 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 180x प्लस 18x मीन्स 198x। अब ये देखो, ये सेलिंग प्राइस शर्ट का और ये क्या हो गया ट्राउज़र का, और टोटल सेल आपको कितनी दी हुई है, टोटल सेल गिवन है आपको कितनी है 36,600 रुपीस, ठीक है। लेकिन हमारी सेल कितनी की आई है आपके पास शर्ट की, और इसको ऐड कर दोगे तभी आएगी ना टोटल सेल, तो शर्ट की कितनी है आपके पास 160x रुपीस, और इसकी कितनी हुई है 198x इज इक्वल टू 36,600 रुपीस, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास 366x, और यहाँ पे 36,600, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 36,600 डिवाइड बाय 366, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 100, कितनी आ जाएगी 100, क्योंकि x तो आपके पास क्या है मटेरियल है ना, तो हमारे पास हमने निकालना क्या था ट्राउज़र का मटेरियल निकालना था ना, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा, ट्राउज़र मटेरियल कितना है आपके पास 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x यानी 100 यानी 200 मीटर, तो इन ट्राउज़र मटेरियल कितना आ गया 200 मीटर, समझ में आया। ये आपको शुरू से देखिए क्या दिया था, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट, तो यानी शर्ट को का 3 मीटर था ना 3x ले लिया, और ट्राउज़र वाले को क्या ले लिया 2x, यही ले लिया 3x मटेरियल किसका हो गया शर्ट का, 2x मटेरियल किसका हो गया ट्राउज़र का। अब कॉस्ट प्राइस निकालनी है, अब शर्ट के 1 मीटर के लिए कॉस्ट कितनी दे रखी है 50, तो 3x के लिए कितनी हो जाएगी ज़्यादा होएगी, तो ज़्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया है 150x रुपीस। तो ऐसे ही ट्राउज़र के लिए निकाल लिया तो कितनी हो जाएगी 180x। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 150x, प्रॉफिट निकाल लें इसका
तो 150x 12% दिया हुआ है ना, मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100, इसको सोल्व कर दिया 168x आ गया। अब ऐसे ही सेलिंग प्राइस किसके लिए निकालना है आपको, ट्राउज़र के लिए, तो ट्राउज़र के लिए आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है 180x और प्रॉफिट 10% 10 बाय कितना कर दिया 100 198। लेकिन टोटल सेल कितनी दे रखी है आपको, ये दी हुई है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास यही आ जाएगी, क्योंकि सेल तो उसने उसी की करी है ना, टोटल सेल किसकी, शर्ट की और ट्राउज़र की, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको ऐड करने का टोटल सेल ये आ गया आपके पास। यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और फिर आपके पास क्या निकल गया है, ट्राउज़र मटेरियल। नेक्स्ट देखिए, हाफ ऑफ हियर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग, हाफ ऑफ हियर्ड ऑफ डियर क्या है, आधा क्या है डियर यानी हिरन का हियर्ड यानी झुंड इकट्ठे हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं इन दी फील्ड, किसी फील्ड के अंदर। एंड थ्री फोर्थ जो रिमेनिंग रह गया ना उसका क्या है, थ्री फोर्थ क्या हो रहा है, प्लेइंग नियर बाय, जो इधर उधर टहल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम दी पॉन्ड, जो रेस्ट रह गए हैं, कितने रह गए हैं, रेस्ट मतलब शेष जो रह गए हैं 9, वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम दी पॉन्ड, पॉन्ड से। फाइंड दी नंबर ऑफ डियर इन दी हियर, तो वो जो डियर का जो झुंड है हमें उसके नंबर बताने हैं कितने हैं, तो हमें यही हमने मान लिया, लेट नंबर ऑफ डियर इन हियर इज इक्वल टू एक्स। अब उसने क्या कहा था, है कितने आपके पास, एक्स, हाफ ऑफ द हियर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, इसका जो हाफ है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, वो क्या हो रहा है, ग्रेजिंग, ग्रेज कर रहा है फील्ड में, एक्स बाय टू क्या कर रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है। एंड थ्री फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग, अब देखिए एक्स था आपके पास, इसका हाफ क्या हो गया, एक्स बाय टू, हाफ इधर कर रहा है ये ग्रेजिंग कर रहा है, और रह कितना गया रिमेनिंग, एक्स बाय टू ही तो रह गया। मान लो आपके पास कितने हैं, 18 है, तो 18 में से 9 आपके पास यहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो आपके पास कितने रह जाएंगे, 9 ही रह जाएंगे ना, तो x बाय टू था, तो रिमेनिंग भी कितने रह गए, x बाय टू, और उसका उसने क्या कहा है, थ्री फोर्थ ऑफ रिमेनिंग, तो यानी इसका थ्री फोर्थ कर दें, 3/4, समझ में आया। हाफ ऑफ द हियर्ड, हाफ का तो क्या कर दिया हमने, ग्रेजिंग कर रहे हैं, और थ्री फोर्थ ये है इधर उधर टहल रहे हैं, और जो क्या रह गया है, 9 रह गया है ना, तो 9 क्या है हमारे पास, क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, जो क्या है, पानी पी रहे हैं। तो अब मैं इन सब को ऐड कर देती हूँ, हाफ ये बता दिया, हाफ ये बता दिया, और 9 और रेस्ट रह गया, तो यानी मैंने उनको क्या कर दिया, जो रेस्ट है उनको ऐड कर दिया, तो इन टोटल आ गए ना ये आपके पास, और टोटल कितने गिवन थे हमारे पास, एक्स, कितने थे हमने मान रखा था ये एक्स, तो यानी इनको हमने किसके इक्वल रख दिया, एक्स के। तो आगे सॉल्व करिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय टू प्लस 3x बाय 8 प्लस 9। अब आगे आप इसको सॉल्व करोगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इन्हीं दोनों समों को अच्छे ढंग से करके देखोगे, 7th और 8th, ये 7th सम आप अपने हाथ से इसको एक बार देखने के बाद दोबारा से खुद निकाल के देखना, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।